सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर को लेकर विशेष इनपुट दिए हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं गाजियाबाद में कई इलाकों में पुलिस पैदल मार्च कर रही है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा विशेष जवान लगाए गए हैं। पुलिस की गाड़ियां तमाम कॉलोनियों के भीतर घूमती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल निगरानी कर रहा है। बता दें कि दिल्ली के तनावपूर्ण हालात को देखते हुए होली पर गाजियाबाद में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस को शक है कि असामाजिक तत्व होली के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। होली से पहले ही पुलिस कर्मियों की तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। होली के लिए हम लोग उससे लगभग होली से 4 हफ्ते पहले से ही हम लोगों ने अलर्ट जारी कर रखा था कि किसी भी तरह का शराब जो कि मिश्रित भी हो सकती है और कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए सभी को अलर्ट किया गया था। अन्य राज्यों से भी मुखबिर जो हैं उनसे हम लोग सूचनाएं ले रहे थे। इसी क्रम में लगभग 237 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 250 अभियुक्त और 29,752 लीटर इतनी शराब हम लोग विभिन्न थानों से बरामद कर चुके हैं और ये हमारा अभियान लगातार जारी है। इतना ही नहीं, जो अन्य नशीले पदार्थ होते हैं जैसे गांजा है, डोडा है, इन सब पर भी हम लोगों ने इस पर निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भारी मात्रा में हम लोगों ने जो नारकोटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी बरामद किया है, जिसमें 191 अभियोग में 200 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। 200 किलो गांजा हम लोगों ने बरामद किया है, वहीं 80 किलो डोडा भी हम लोगों ने बरामद किया है और कल भी जैसे हम लोगों ने स्मैक लाखों रुपए की स्मैक भी हम लोगों ने बरामद की थी। हम लोगों का मैसेज यही है कि किसी भी नशे के कारण कोई हादसा ना हो, इसके लिए पूरी पुलिस को अलर्ट रखा गया है और मुखबिर तंत्र को स्ट्रॉन्ग किया गया है।